के हम लाते हैं इतना खतरनाक तरीन कुत्ता रॉटवेलर डॉग। रॉटवेलर उसका मुंह तुम्हारे मुंह से भी बड़ा होता है। तो मैं सबको दिखाता हूँ कि वो डॉग कौन सा होता है। ये देखें, ये मैंने ना निकाला है, आप भी देख लो दोस्तों। यही तो चाहिए तो आप, बिल्कुल सही है। एक जानी दुश्मन होता है जिबैन, तुम बहुत खतरनाक बता रहे हो मुझे। तो फाइनली यार हमारे सेफ्टी रूम की छत का काम बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है। यार बहुत खतरनाक जगह है, ऊपर से चढ़ के आ गया हूँ मैं। मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ आराम से। उस साल से मैं भी गिरा हूँ। आज गिरे हो? हाँ जी। ओए लगी फिर? ओए होए, फिर मुझे नीचे उतरना चाहिए क्योंकि इतना एक्सपीरियंस बंदा जब गिर गया तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं भी गिर जाऊंगा। तो यार एक दफा देख लें इस तरह से हमारी छत जो है ना बन रही है। नीचे बहुत कचरा है, इसको इग्नोर करें, बाकी ऊपर से देख लें कितना ही अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार फियाज भैया वो वाली छत बना रहे हैं, उसकी अब नाप वगैरह हो रही है। ये वाली तो कंप्लीट हो गई है, ये हमारा है डॉग हाउस। हमने यहाँ पर रखना है ऐश और फियोना को, इसकी अब ईंटें रखना बाकी हैं, उसके बाद प्लास्टर वगैरह होगा, फिर इंशाल्लाह हमारे डॉग्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप सब कहते हैं कि यार हर वक्त उनको बंद करते हैं बंद करते हैं, तो ऐश और फियोना के कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर इनको हम खुली जगह दे देंगे। टेंशन नहीं लेनी ऐश और फियोना, तुम्हारा घर बन रहा है। तैन भाई आप क्या कर रहे हो? वो काम कर रहा हूँ जो मुझे भी नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता। मैंने कहा सीख लूंगा, ये इजी है, थोड़ा ऐसे करना है, ठीक है, और यूं ऐसे मारना है जोर से। यार क्यों खराब कर रहे हो खुद को? हाल देखें दोस्तों इसका, दो तीन दफा मारा है इसने तो ये हाल कर दिया अपना। तो यहाँ पर यार हमारे डग्स के बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं, इनको धूप छूप भी लग रही है, मतलब बिल्कुल ठीक है, इनको ठंड नहीं लग रही, हमने इसको ठंड से बचाना है। और काफी ज्यादा भाई कह रहे थे कि आप डग्स के बच्चों को ना यहाँ पर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर पानी भी है। तो यार अभी डग्स के बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते, अभी छोटे हैं, छोटे बच्चों को पानी प्रोवाइड नहीं करते, उनको ठंड लग जाती है, तो कुछ दिनों बाद इनको देंगे पानी तैरने के लिए, बाकी पीने के लिए पानी इनको हम देते हैं। ये देखें यार सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं, कोई भी बीमार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन दो तीन बीमार थे, इनको अच्छा खाना मिला है, अच्छी डाइट मिली है, तो ये सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा इनका साइज में भी है ना इजाफा हो रहा है। ओए तो बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो बकरी के साथ, मुझे ये बताओ आज क्या तारीख है, और मुझे बच्चे का भी बताओ कि इसने कितने बच्चे दिए हैं। 24 तारीख है आज भाईजान, हमारी बकरी ना आज बच्चे दे देगी। नहीं मतलब आज हमारी बकरी ने बच्चे नहीं दिए, 24 तारीख है आज, तुराब ने कहा था 23 तक दे देगी, 12 बजे तक नहीं दिया भाई इसने। तो आप अपनी सजा सुनिए, जो कि हमने इसको सजा दी थी, आपने भी बताया था कि भाई कुछ नया जानवर ही लेना पड़ेगा, तो सोच लिया है मैंने कि कौन सा जानवर लेंगे। तो देना था यार कल बच्चे इसने देने थे, क्यों लेट हो गई हो तुम भाई? अब टाइम ओवर हो गया है, चाहे आप 10 बच्चे भी दे देना, चैलेंज हार चुके हो तुम। लेकिन आज ये दे दे किसी तैन, चाहे आप दे दें, अब मुझे नहीं इससे सरोकार, जो भी करे बकरी, बट मैं चैलेंज जी चुका हूँ, अब हमें नया जानवर लाना ही पड़ेगा। अब मेरा सुन लो भी, मैं कौन सा जानवर कह रहा हूँ, आज जो मैं तुम्हें बताऊँ, वो जानवर बहुत ही खतरनाक तरीन जानवर है और उसको लाना ही पड़ेगा हर हाल में, वो बंदे भी मार सकते हैं, ऐसा है। मैं बताता हूँ। हाँ आप बताओ। लायन तो बहुत दफा ले चुके हैं, वो बाद में लेंगे जू बन जाए, उसके अलावा है उससे भी खतरनाक है। बता दो जल्दी में यार। लायन तो फिर भी यार उसको टेम कर लेते हैं, वो जो है तो ना बस एक दो बंदों का ही टेम होता है, बाकियों को मार डालता है वो। इतना चलो फिर ये चीज हम अपने घर में रखें, घर में नहीं जू में रखेंगे, जू में तो जानवर ही होते हैं। नहीं नहीं कोई अच्छी चीज बता सकते हैं? चीता? चीता नहीं है यार। भाई मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा जानवर मैंने सोचा हुआ है। तो अब मैं भाई थोड़ा आपको बताने लगा हूँ कि इसको कौन सा जानवर लाना होगा। आपको भी बताता हूँ, मैंने सोचा यार जैसा कि हमारा नया जू बन रहा है, वहां पर इतने अच्छे अच्छे जानवर आएंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें एक चीज रखनी पड़ेगी जो कि बहुत खतरनाक हो, चोरों को ऐसे ऐसे पकड़ के उसकी बॉडी निकाल ले जो चोरी करने आते हैं या जो तंग करने आते हैं। तुम पहले बोल लो। कह रही है मैं हूँ ना, अरे तुम्हारे बारे में ही बात करूँ, चुप कर जाओ, तुम्हारा फायदा है इसमें। सिर्फ भौंकना काफी नहीं होता ना, जाके ऐसे मार देना का, ऐसे काटना होता है, फिर जाके सिक्योरिटी सही होती है। जल्दी अच्छा, उसी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लाते हैं इतना खतरनाक तरीन कुत्ता रॉटवेलर डॉग। रॉटवेलर उसका मुंह तुम्हारे मुंह से भी बड़ा होता है, तुराब तुमसे भी बड़ा कुत्ता होता है वो। दिमाग ठीक है तुम्हारे यार, तो काम देखेंगे रॉटवेलर। दिमाग खराब, उसका इतना बड़ा मुंह होता है, ऐसे पतला सा होता है, लंबा सा, बहुत ही प्यारा होता है ना, पतला सा लंबा सा, इसको नहीं पता ये ड्रामे कर रहा है यार। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा होता है।
ये देखो पागल यार भी लंबा सा, कोई हाल नहीं ऐसी टाइम तुम्हारा। यार उसका मुंह बहुत बड़ा होता है। मैं दिखाता हूँ, मैं आपको भी दोस्तों दिखाता हूँ, इतना खतरनाक डॉग है ना, ये सिर्फ अपने मालिक के पास रहता है, कोई भी और बंदा आता है ना उसको ये मार ही देता है, एक किस्म का जानी दुश्मन है ये इंसानों का। दिखाओ तो सही, क्या कह रहे हो? पुट बिल। शेहान ने डॉग का नया नाम निकाल लिया, पुट बिल डॉग। तो मैं सबको दिखाता हूँ कि वो डॉग कौन सा होता है, ये देखें, ये मैंने ना निकाला है, आप भी देख लो दोस्तों। यही तो चाहिए तो रहा, बिल्कुल सही है, इस तरह के डॉग ही हिफाजत करते हैं। बहुत खतरनाक, हम टेम करेंगे, टेम करेंगे, हमें कुछ नहीं कहेगा। ये देखो, ये तो गुस्से वाला बच्चा है, मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो, एक जानी दुश्मन होता है ज़िबैन, तुम बहुत खतरनाक बता रहे हो मुझे। ये मजा आएगा तो आप इसको टेम करेंगे। चेंज कर लो, मैं मानता हूँ चैलेंज था, मैं हार गया हूँ। हाँ कुछ और बता दो, ये तो फिर क्या है, चूचे ले, छोटे मुर्गी के, ये अच्छा है, ये हिफाजत करेगा। बहुत खतरनाक है यार, इस कुत्ते को देख के कौन चोर आएगा हमारे चोर जू में? वो तुम्हें भी मार सकता है, चोरों को ही मारेगा, जो उसको टेम करेगा सिर्फ उसी के पास ही रहेगा। हम टेम करेंगे, श्यान भी, आप भी, सारे मतलब जितने हमारे फैमिली के हैं सब। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में सितान को बोलें कि ये चेंज कर ले भाई, कोई और जानवर का बोल दे, ये बहुत खतरनाक है यार, प्लीज प्लीज प्लीज। यार मैं तो यही चाह रहा हूँ, बाकी डॉग का कोई फायदा नहीं हो रहा हमें, वही डॉग ही बचा सकते हैं हमारे जू को बस। ये वाला डॉग सिर्फ खतरनाक नहीं है, कौन सा खतरनाक है? पुट बिल। तो यार हमारे छुटकी छुटकू तो हैं, पड़े पत्नी सिप्तान को क्या हो गया है, बस फायदा उठा रहा है, मैं हार गया ना इसलिए कह रहा ना छुटकी छुटकू। जो कुत्ते फल भी नहीं छोड़ते यार, फलों को कुत्ता कौन सा खाता है, कौन सा खतरनाक कुत्ता खाता है? ये देखो इधर आओ, ये फल है ना, ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी खा जाएंगे। ये देखो ये कैसे कुत्ते हैं, हमारा कुत्ते जैसे हो है, तुम फल भी खाती हो, मुझे तो नहीं पता था। क्या पता यार, खाते हो डॉग्स, रोटी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब कुछ। खैर आपने फिर बताना यार, मेरा साथ देना है, मुझे यकीन है कि आप सब मेरा साथ देंगे, आप भी कहेंगे कि रॉटवेलर नहीं होना चाहिए, रॉटवेलर लेना है बस। चलो ये कैसी को खिलाओ, पता चल जाएगा सुबह तुम्हें। चलो कैसी ये फ्रूट्स का, और हमारी पालतू हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं है वैसे। चलो शाबाश खाओ, खाती है शौक से। आप सब कहते हैं ना भाई, आप सिर्फ कहते हो कैसी को, क्यों नहीं सेल करते, वापस करो वापस करो। कसम से यार, हम जिसको भी कहते हैं कि हमारी कैसी ले जाएं, वो कहते हैं भाई इतना खतरनाक घोड़ी हम नहीं लेते भाई, हम नहीं लेते भाई, ये बंदे मार देगी, यही वजह है। इसलिए आपको लगता है कि हम ना ऐसे खाम का कह रहे हैं कि कैसी को हम वापस करेंगे, हम करते नहीं है, ऐसा नहीं है, हम करना चाहते हैं लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है, ये बात है। तो यहाँ पर यार हमारे इस घर की छत भी यार तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, मतलब इसका जो बेस है ना वो बनने वाला है, ऊपर भाई लगा रहे सीमेंट वगैरह, इसके बाद इसकी डिजाइनिंग का काम होगा, यानी कि इसके ऊपर हमने छत के ऊपर क्या लगाना है, किस तरह का टेक्सचर लाना है, घास वाला लाना है, पत्थर वाला लाना है, लकड़ी वाला लाना है, वो हमारे ऊपर होगा। सबसे पहले इसकी बेस बनानी, जो कि भाई अभी बना रहे हैं, बस हो गई है तकरीबन, थोड़ा सा ये वाली साइड रहती है, और यहाँ से भी ये दीवार ना यहाँ तक बन चुकी है हमारे आबशार की, ये नीचे वाली चीजें रहती हैं, ये भी कल काम होगा क्योंकि अभी शाम होने वाली है, तो काम बहुत स्पीड से हुआ। आपने देखा होगा ये वाला भी बन गया है, ये वाला इतना बन गया है, तो हम इसी तरह चाहते हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया बने, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये वाला जू बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी फियोना की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और अब ये खाना अपना खाती है। पहले मैं इसको ना बॉयल चिकन सिर्फ देता था, लेकिन अब ये बॉयल चिकन और चावल दोनों खा रही है, और देखो काफ़ी बेहतर है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ऐश भी बिल्कुल ठीक हो गया, उस दिन काफ़ी नखरे कर रहा था, अपने खाने के अंदर मट्टी डाल रहा था, लेकिन आज ऐश और फियोना दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दोनों अपना मजे से खाना खा रहे हैं। यार फाइनली यार हमारे पास घास आ चुका है हमारे न्यू मिनी जू का, ये देखें ये वाला घास लगेगा यार, भाई लेके आ चुके हैं इस तरह, ये सारे मिनी जू में हम लगाएंगे, अभी शाम होगी, अभी लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, कल इंशाल्लाह, कल ठीक है यार, कल ये घास लग जाएगा जू में, और हमारा जू और भी खूबसूरत होता जाएगा। ये क्या कर रहे थे भाई तुम, क्या कर रहे थे ये? शाम हो चुकी है दोस्तों, और सितैन का मोए मोए शुरू हो गया भाई,
वो गए मेरे ख्याल में थक और टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे सर कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। हाँ, रॉड पे लाजमी बताना कमेंट बॉक्स में कि हम लें या ना लें। मैं तो चाहता हूँ यार ना लें, सिप्तान को आप मना करें। अल्लाह हाफिज।